700 लोगों की महाआरती की योजना बनी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अपने धर्म की रक्षा के प्रति अपन जागरूक नहीं है तो फिर आगे आने वाली भविष्य जो पीढ़ी है जैसे कि हमारी उसके अंदर अपन त्यौहार मना रहे अपन अच्छी बात है। रामनवमी पूर्णिमा जय सियाराम। हमने पिछले हफ्ते मंगलवार को बजरंग दल के शक्ति केंद्र की स्थापना की थी गड्डी मालियान में और पूरे अजमेर में बजरंग दल के 8 प्रखंड है जिसमें से 8वां प्रखंड हमने यहाँ गड्डी में शुरू किया है। 8 प्रखंड में गड्डी का एरिया जौनगंज का एरिया और दोराई का एरिया चंद्रदाई के से लेकर आदर्श नगर तक के एरिए प्रखंड 8 में आते हैं। तो आज हमने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया द्वितीय बैठक में और युवाओं में धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। बहुत ही अच्छा इन्होंने जो कार्य कर रहे हैं और सबसे बड़े जो नवयुवक है उनको जोड़कर आगे से आगे इनको काफ़ी प्रगति हो रही है और समाज के प्रति और परिवार के प्रति और अपने देश हित के प्रति जो है भक्तिभाव इनको जागृत हो रहा है। और सर्वप्रथम जो अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो है किस प्रकार अपन घर से घर की रक्षा की जाए क्योंकि सबसे पहले घर का है तो हमारे घर की रक्षा कैसे हो पड़ोस में रक्षा कैसे हो और इसी प्रकार जो भी हमारे प्रति हीन भाव रखता है जो विचार रखते हैं उनसे भी हमारी रक्षा कैसे हो और आत्मरक्षा के पहले हम इनको सिखाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। और साथ ही हमारी जो संस्कृति है जिस प्रकार चैत्र से लेकर फागुन तक चैत्र तक जितने भी त्यौहार हैं उन त्यौहारों के बारे में इनको शिक्षा दी जाती है क्योंकि संस्कृति को भी साथ में लेकर चलकर साथ में लेकर चलना हमारा प्रमुख ध्येय है। आपका परिचय? मैं पंडित करमचंद जोशी गड्डी मालियान हनुमान मंदिर। मैं बंटी डांगोरिया गड्डी मालियान निवासी बजरंग दल के संयोजक।